नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेकन सोलर एनर्जी। आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप नेट मीटरिंग करवाते हो तो नेट मीटरिंग का कनेक्शन कैसे किया जाए और नेट मीटरिंग में कौन सा मीटर लगाना है और कैसे कैसे लगाना है। ये प्रोजेक्ट मुजफ्फरपुर के मिठानपुरा में है और यहाँ पर जो सोलर यूज किया है वो लूम सोलर का शार्क पैनल है 440 वाट वाला, जो कि आप लोग सब जानते ही होइएगा, ये हर जगह आपको मिल जाएगा। अभी जो लूम सोलर का जो हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल है वो वाला है। ये कॉस्टली तो है बट ये हाईली एफिशिएंट है लूम सोलर का। मेरी जो कंपनी है टेकन सो एनर्जी, उसके थ्रू इंस्टॉलेशन का काम होता है, प्लस लगभग 7 से 8 कंपनी का सोलर पैनल रखता हूँ, प्लस इन्वर्टर, बैटरी और इंस्टॉलेशन किट्स का सारा उपलब्ध रहता है, सारी चीज़ें। अगर आप कहीं से भी बिहार के किसी भी कोने से अगर ऑर्डर डालते हैं तो आपको हम वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। किसी और कंपनी की तरह नहीं है कि हम 12 बजे रात को आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे या एकदम सुबह में फ़ोन नहीं उठाएंगे। हाँ, किसी ऐसा टाइम रहेगा कि अगर कॉल नहीं अटेंड कर पाया तो उसके बाद आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। इसलिए आप सर्विस कहीं से भी ले सकते हैं, थोड़ा डिले होगा लेकिन आपको सर्विस में डिले नहीं करूँगा, सर्विस ज़रूर दूँगा आपको। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो सोलर पैनल है, ये लूम सोलर का जो शार्क है, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और बाकी और भी इन्फ्लुएंसर है जो इसके बारे में बताते रहते हैं, उनका वीडियो भी आप देख सकते हैं। प्लस अभी हम मेनली फोकस करेंगे नेट मीटरिंग पे और प्लस इसके इंस्टॉलेशन पे। तो इसका इंस्टॉलेशन कस्टमर के अनुसार ही किया है, क्योंकि जनरली मेरा जो भी इंस्टॉलेशन होता है वो कस्टमर के अनुसार ही होता है। कस्टमर का जहाँ भी बोलता है, जैसा डिज़ाइन करने को बोलता है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है 1,86,000। 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा है इसमें टोटल, और इसमें नेट मीटरिंग के साथ ये सारा कॉस्ट है। इसमें ऊपर से कस्टमर को कुछ भी नहीं देना पड़ा है, ठीक है, सारा कुछ मैंने खुद करके दिया है। यहाँ हाइट वाला स्ट्रक्चर लगा है, क्योंकि इनके जो छज्जी था, छज्जी के ऊपर सारा का सारा पैनल फिट किया है। जैसे देख रहे हैं आप, ये टोटल छज्जी पे ही लगा हुआ है, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि हमारा जो छत है वो ऑक्यूपाई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसा ही डिज़ाइन किया है, ठीक है। और यहाँ जो भी इंस्टॉलेशन किया है वो फास्टनर के थ्रू, प्लस उसका सिविल वर्क भी किया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा सिविल वर्क के थ्रू इसको फिट भी किया, प्लस इसमें फास्टनर भी लगाया, दीवार में जो ये जो बाउंड्री दिया हुआ है इसमें भी फास्टनर डाला है। तो अब यहाँ पे हमारा पूरा सारा कुछ ओके हो गया है। अब हम इसके रेटिंग के चेक करेंगे, प्लस इसका हर पैनल का चेक कर चुका हूँ, लेकिन आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इस टाइम पे लगभग 6 बज रहा है और 6 बजे भी ये प्रोडक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि हर कस्टमर का माइंड बनाता है कि लगभग कितना बजे तक हमारा जो सोलर पैनल वो काम करता है। तो VOC जो दिखा रहा है वो 41.2 वोल्ट दिखा रहा है। और अब ISC देखते हैं, क्योंकि ISC अगर नहीं आया मतलब सोलर वर्क नहीं कर रहा, लेकिन अगर ISC अगर आ गया, पॉइंट में भी आ गया, मतलब सोलर अभी स्टिल वर्किंग में है, ठीक है। तो ISC पे सेट किया और देखते हैं, मतलब 0.58 एम्पियर दे रहा है, मतलब ही काम कर रहा है। देख रहे हैं टाइम लगभग 6 बजने वाला है, मतलब अभी हमारा जो सोलर पैनल है वो वर्किंग मोड में है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारा सोलर अभी कितना वर्किंग मोड में है, क्योंकि हम जस्ट यहाँ पे कनेक्शन ही बाकी है करके आपको लेके चलते हैं इन्वर्टर के पास। यहाँ जो इन्वर्टर लगाया है वो लुमिनस का 3 किलोवाट वाला जो इन्वर्टर आता है ऑन ग्रिड में, NXI 130, ठीक है, वो वाला इन्वर्टर लगाया है। तो उसका जो VOC रहेगा, जो VOC रेंज है उसका, वो 600 के आसपास है। इसलिए हमने यहाँ जो कनेक्शन जो किया है वो सारा का सारा डाल दिया, पूरा के पूरा सीरीज में, इसलिए ताकि हमारा VOC हमको 600 रेंज तक मिला हुआ है, इसलिए हमको पैरेलल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें लगभग 2 पैनल और भी जोड़ सकते हैं। मेरे वीडियो में आपको त्रुटि देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं वीडियो इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं जनरली इन्फॉर्मेशन शेयर करने के माध्यम से ये वीडियो डालता हूँ, ठीक है। जो वीडियो इन्फ्लुएंसर होता है वो किसी एक पीक टाइम पे सोलर का वीडियो लेकर के या उसका रेटिंग लेकर के कस्टमर को भ्रमित करता रहता है कि इस सोलर पैनल का इतना VOC इतना ISC दे रहा है, और कस्टमर वही माइंड में रख कर के और सोचता है कि वो ख़रीद लेता है, और जब बाद में उसको नहीं मिलता है तो वो परेशान होता रहता है। इसलिए आप इस तरह का वीडियो ना देखें। मेरा हर वीडियो आपको रियलिटी से रूबरू कराएगा, ठीक है, इसमें कुछ भी फेक नहीं रहेगा। मैं जनरली किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूँ, जो बेस्ट होता है उसको बेस्ट बोलता हूँ, जो ख़राब है उसको खराब बोलता हूँ। तो यहाँ मेरा पूरा पैनल लग के ओके हो गया है, वायरिंग हो गया है, पूरा PVC वायरिंग किया हुआ है, PVC पाइप के थ्रू वायर लाया हुआ है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली अब इन्वर्टर को
सोलर से कनेक्ट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसके बाद क्या रिएक्शन होता है सोलर का, क्या इन्वर्टर ऑन होता है, प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, या इसमें जब तक ग्रिड नहीं मिलता है तब तक नहीं मिलता है, ठीक है। ये सब आप लाइव देखें। तो हम इसमें इसको पुट कर दिए हैं, सोलर जैसे ही इन किया इन्वर्टर में लाइट आ गया, मतलब इन्वर्टर चालू है, इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे पावर जनरेशन होता है कि नहीं, तो जब तक ये ऑपरेशन का जो मोड दिख रहा है, ये बटन अगर जब तक नहीं जलेगा मतलब पावर जनरेशन नहीं हो रहा। तो ये पावर बटन ऑन हो गया है, लेकिन जब तक ये ऑन नहीं करेंगे, इसका स्विच ऑन नहीं करेंगे, ग्रिड का कनेक्शन नहीं मिला, कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, तब तक ये ऑपरेशन मोड में नहीं जाएगा, अलार्म बजता रहेगा। तो अब जब इसमें ग्रिड दे दिया है तो देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। लगभग 15 से 20 सेकेंड या 50 सेकेंड भी ले सकता है, या एक मिनट भी ले सकता है, ठीक है, कनेक्टिविटी लेने में। तो अभी देखते हैं कि हमारा तो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, 6 से ऊपर हो गया है। लिख रहा है सॉफ्ट रन, सॉफ्ट रन मीन्स बहुत कम पावर जनरेशन हो रहा है अभी, लेकिन जनरेशन हो रहा है, क्योंकि आपको बताया कि शाम हो गया, देखिए 30 वाट तक जनरेशन दे रहा है। और ये जो जनरेशन दे रहा है मतलब अभी भी सोलर जो पैनल है वो काम कर रहा है, ठीक है, पार्शियली बहुत ही कम कर रहा है, लेकिन वर्किंग मोड में है, मतलब जब तक हीट उसमें रहेगा तब तक वो जनरेशन मोड में रहेगा। अब अगली सुबह का में हम आ गए हैं, और अगली सुबह में देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा धूप है, बारिश का मौसम था, बारिश हुआ भी है, लेकिन अभी सूरज निकलने लगा है और हल्का सा धूप हो गया है, मतलब टेम्परेचर अब पड़ने लगा है। तो इस टाइम पे जो हमारा सोलर है वो कितना पावर जनरेशन कर रहा है, ठीक है, वो आपको दिखाते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये प्रोबेट वे में लग गया है पूरा, कितना अच्छा दिख रहा है, और इनका छत भी ऑक्यूपाई नहीं किया है मैंने। और इस टाइम पे जो लगभग 1:30 बज रहा है, और 1:30 बजे इसका जो जनरेशन है 1.5 किलोवाट से ऊपर है, मतलब 3 किलोवाट का हमने सोलर लगाया है, अभी 1.5 किलोवाट से ऊपर मिल रहा है बारिश के मौसम में। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका जनरेशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, अभी 1900 किलोवाट हो गया, मतलब 1900 हो गया है, 1900 वाट, फिर 1800 हो गया, अभी फिर से देखते हैं तो आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसका जनरेशन बढ़ेगा, जैसे हीट जैसे 1900 पार हो गया। अगर ये घट बढ़ हो रहा है इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखते हैं कि थोड़ा धूप और बढ़ा है, और लगभग 2 बजे का टाइम हो गया है, तो इस टाइम पर देख रहे हैं हमारा सोलर कितना पावर दे रहा है, लगभग हमारा 2 किलोवाट से ऊपर का जनरेशन मिल रहा होगा। चलिए बताते हैं और लाइव देखते हैं, ये हमारा 2 किलोवाट से ऊपर का जनरेशन मिल रहा है, ठीक है, अभी जस्ट एक मिनट में इतना सारा चेंजेज हो गया, लगभग कितना मिल रहा है, जनरेटिंग 2 किलोवाट से ऊपर हो गया है, मतलब जितना भी टाइम आगे बढ़ेगा उतना हमारा जनरेशन बढ़ता जाएगा। और देखिए ऐसे ही 2 बजा हमारा जनरेशन 2200 से भी ऊपर चला गया है, इसका मतलब है कि हमारा पावर जो है, जो सोलर है वो फुल मोड में चल रहा है। और इसका हाईली जब टेम्परेचर वाला सीज़न आएगा, गर्मी का सीज़न आएगा, तो आपको कम से कम 2800 वाट तो मिलने ही वाला है पीक टाइम पे। जैसा कि आपको बताया था कि सोलर का जो नेट मीटर है वो इंस्टॉलेशन किया है, और उसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो नेट मीटर है इसमें सप्लाई इन और लोड दिया हुआ है, फिर सप्लाई का जो लोड निकला हुआ है वहाँ भी लोड का पॉजिटिव और निगेटिव दिया हुआ है, मतलब कि न्यूट्रल और पॉजिटिव, मतलब लाइव। तो आपको कनेक्शन भी ऐसे ही वे में कर देना है, ठीक है, उसमें नंबरिंग दिया रहेगा और उसके डब्बा के ऊपर सब दिया रहता है, आपको कहीं से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस टेस्टर से टेस्ट कीजिए कि इसमें लाइव आ रहा है और कौन लाइव जाने वाला है। वो आपको पहले वाली जो ये मीटर है पुराना वाला, ये निकालते टाइम ही आपको पता चल जाएगा। और इसको जब कट कीजिएगा तो जब इसको खोलिएगा तो ध्यान देना है और सावधानीपूर्वक, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना है, और इसी टाइम आपको सब पता चलेगा कि कौन लाइव है और कौन न्यूट्रल है, और यहीं पे मार्किंग कर लेना है और इसको हटा करके रिमूव करके नया वाला मीटर उसमें लगा देना है। जब आपका नेट मीटरिंग का सारा प्रोसेस हो जाएगा, जब नेट मीटर इंस्टॉल की बारी आएगी तो आपको एक टेक्नीशियन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, वो ग्रिड वालों की तरफ से, और उसके इंस्पेक्शन में ही आपको ये लगाना है, नहीं तो आपको वो वैलिडिटी नहीं देगा, ये इसका खास ध्यान रखिएगा। या उसका आदमी अगर लगा दे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लगा पा रहे उसको कुछ नहीं पता है तो आप बताइए कि हमको पता है, चलिए आप बस लगाइए, हम आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे, लेकिन उसके प्रेजेंस में ही ये सब करना है, ठीक है, अपने से कुछ भी नहीं कर देना है। तो इसको पहले हम जो पुराना वाला मीटर था उसको हटा लिए सावधानीपूर्वक, मार्किंग कर लिए कि कौन लाइव है कौन न्यूट्रल है,
और इन में भी और आउट में भी, मतलब सप्लाई में भी और लोड में भी। मार्किंग करने के बाद हम पहले इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम पहले क्या काम करेंगे, इसका जो सप्लाई वाला लोड था, लोड वाला जो लोड हमको जो घर में दिया गया वो वायर कनेक्ट कर लेंगे और उसको लाइव और न्यूट्रल के थ्रू जो हम मार्किंग किए हैं उसके थ्रू इसको कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो लाइव जो आया हुआ है ग्रिड से, वो वाला कनेक्शन करेंगे, वो वाला इसमें वायर डालेंगे, क्योंकि वो थोड़ा ख़तरनाक होता है, वो लास्ट में डालेंगे। तो पहले हम इसको सेट कर लिए, वो भी टाइटली करेंगे ताकि स्पार्क ना मारे, क्योंकि ये एक बार सील हो गया तो बार मतलब मीटर तोड़ना ही पड़ता है, और सील टूट गया मतलब आपको नया मीटर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम वायर सावधानी से छील करके इसको अंदर पुट करेंगे, और पहले हम न्यूट्रल डालेंगे फिर लाइव डालेंगे। तो इसका हम पहले डब्बा देख लेते हैं, और देखने के बाद इसको हम डाल देते हैं। तो चूंकि पूरा बराबर होना चाहिए, तो इसका हम लाइव अंदर प्रेस कर दिए, और लाइव को तो खास करके ध्यान देना है, इसमें हाथ नहीं टच कीजिएगा ताकि आपको शॉक मार सकता है। उसके बाद जैसे ही इसका न्यूट्रल इसमें जुड़ेगा, इसमें लाइट आ गया, और लाइट आ गया तो ये भी थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लेगा, ठीक है। इसमें रियल टाइम लगा रहता है ताकि ये उसको कनेक्टिविटी को लोड को कनेक्ट कर सके। अब ये कनेक्ट हो गया है, और टेस्टिंग के टाइम में जो पावर इसमें यूज हुआ था वो पावर अभी शो कर रहा है 0.5 में, और 0.2 एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब शो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे सब सारा कुछ चेक होता है जब ये जाता है चेक होने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे सब कुछ चेक करके आता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पावर रेटिंग उसमें एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके जो किया जाता है वो भी दिखा रहा है। अभी ये रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके जस्ट पैरेलल में एक और मीटर लगेगा, ठीक है, जिसको आप सोलर मीटर बोलो या नॉर्मल मीटर बोलो कोई मतलब नहीं है, मतलब बात सेम है। अब एक और मीटर लगाना है जो कि नॉर्मल मीटर ही रहता है, लेकिन डिस्कॉम वालों ने अभी एक नियम लगा दिया है कि डबल मीटर लगना ज़रूरी है। तो डबल मीटर मतलब नया मीटर लगाना है, जो नॉर्मली जो घरों में लगा रहता है वही मीटर ये वाला है। तो इसको हम सिंगल डायरेक्शनल नेट जो मीटर बोलते हैं वही सिंगल डायरेक्शनल है, और ये जो पहले लगा है ये बाई डायरेक्शनल है। तो जो सिंगल डायरेक्शनल है वो नॉर्मल मीटर रहता है, जो जनरली घरों में हर घर में लगा रहता है, तो उसके थ्रू भी ये लगा सकते हैं, लेकिन सरकार का भी नियम आया है कि नहीं, पुराना मीटर हटा करके उसके जगह पर नया मीटर लगाना है, और उसके बाद एक सोलर नेट मीटर लगता है, मतलब दो मीटर लगता है, समझ गए। और इसका जो कनेक्शन है वो बहुत ही सिंपल है। ये जो नॉर्मल मीटर है सिंगल वे वाला है, वन डायरेक्शनल वाला, ये जो सोलर से जो ऊपर से वायर आई है और वो जा करके किसी भी एमसीबी में या फ्यूज में, मैंने लगा यहाँ पर मैंने एमसीबी के थ्रू लगाया है, तो ये उसके पाथ में लगेगा, समझ गए, उसके रास्ते में लगेगा। मतलब ये सोलर का जो पावर है कितना जनरेट कर रहा है एक्सपोर्ट करने के टाइम, वो टोटल पावर यहाँ पर शो करेगा, समझ गए। बस इतना सा कनेक्शन है। जिनको इसके बारे में पता नहीं है तो वो बोलेंगे कि इसको हम सोलर मीटर बोलते हैं या इसको ग्रॉस मीटर बोलते हैं, लेकिन ये नॉर्मल मीटर ही होता है। इस पर कुछ भी आपको लिख के नहीं मिलता है कि ये ग्रॉस मीटर है या सोलर मीटर है, समझ गए। तो अगर आपको परचेज करना है तो आप एक बाई डायरेक्शनल सोलर नेट मीटर परचेज कर लीजिए, और एक मीटर परचेज कर लीजिए जो सिंगल वन डायरेक्शनल होता है, वो परचेज कर लीजिए और आप उसको लगा लीजिए। इसका कनेक्शन करते टाइम ही ध्यान देना है कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। चूंकि जो नेट मीटर होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, तो आपका जो पहले से जो नॉर्मल मीटर लगा हुआ था उसके जगह पे हमको लगा देना है बाई डायरेक्शनल, ठीक है। और जो आपका जो मीटर है जो नया लाए हो सिंगल डायरेक्शन वाला, उसको लगा देना है सोलर के वायर के साथ, सोलर का जो वायर आया है और उसमें जो अगर एमसीबी लगा है तो उसी एमसीबी के आगे लगा देना है या पीछे लगा देना है, जहाँ भी लगाना है वहाँ पे लगा देना है, ताकि जो सोलर से जो पावर आ रही है एक्सपोर्ट करने के लिए वो पावर वहाँ पे टोटली कैप्चर कर ले और दिखाए कि ये अभी हमारा इतना पावर एक्सपोर्ट हो चुका है, और ताकि बिजली विभाग का कोई भी आदमी आए तो उसको ईजिली से समझ में आ सके, समझ गए। और जो कनेक्शन है वो यहाँ भी सेम है। इसका जो आउट है वो आउट जो गया है वो कहाँ गया है, हमारे एमसीबी में गया है, और जो इन है वो इन जो है सोलर से जो पावर आ रही है, सोलर से जो वायर आ रही है वो वाला जो वायर हो गया वो इसका इनपुट हो गया, इस मीटर का इनपुट हो गया, और आउट जा करके हमारे एमसीबी में चला गया, और वो एमसीबी की जो
वायर है वो जुड़ा हुआ है हमारे बाई डायरेक्शनल नेट मीटर से, मतलब हमारा इस ये जो मीटर है उस मीटर से होते हुए जो पावर है वो हमारा जा रहा है कहाँ पे, नेट मीटर में, और इस तरह से इसका पूरा फ्लो चल रहा है और इसी तरह से उसका कनेक्शन होगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पे अगर आपके पास वायर उपलब्ध है तो कलर्ड वायर भी दे सकते हैं ताकि आपको साइन इंडिकेट करे कि ये वाला जो है वो लाइव है, ये जो है न्यूट्रल है। लेकिन हमारे पास जो भी वायर था वो हमने यूज कर लिया है, कोई दिक्कत है उसमें आप मार्किंग दे सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। ये आपको ऐसे भी बार बार खोलना तो है नहीं, इसलिए मार्किंग लगा करके रख सकते हो। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर जो सोलर में जो MC4 कनेक्टर लगा रहता है वो बाद में लीक कर जाता है, तो उसको काट करके उसको सोल्डिंग कर दिया देना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप उस MC4 कनेक्टर को अगर उसमें से हटा देते हैं, काट देते हैं, तो आपके सोलर का जो वारंटी है वो एक्सपायर हो जाता है, कंपनी आपको वारंटी नहीं देता है, उस केस में आप क्या कीजिएगा। तो इसलिए उसका जो कनेक्शन है आप MC4 कनेक्टर के थ्रू ही कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, आपका वारंटी बचा हुआ रहेगा। अब देखते हैं यहाँ हमारा सब कुछ रेडी हो गया है और यहाँ हमारा पूरा के पूरा नेट मीटर चालू हो गया है। अब देखते हैं कि इस टाइम पे लगभग फिर से 5 से 6 के बीच में हम लगा रहे हैं और इस टाइम पे हमारा जो पावर जनरेशन है वो कितना दे रहा है, लगभग कुछ भी एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो पहला वाला मीटर है जो सोलर से वायर आया हुआ इसमें जो कनेक्ट हुआ है, इसमें हमारा सिर्फ सोलर का पावर दिखाएगा, तो देखते हैं कि हमारा जो सोलर का पावर वो दिखा भी रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ से एक्सपोर्ट करके हमको नेट मीटर में दिखाएगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट किया है टोटल पावर वो कितना एक्सपोर्ट किया है, टोटल पावर कितना है। तो अभी तक तो वो कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब ही कनेक्टिविटी नहीं लिया है। नेट मीटर इंस्टॉलेशन में ये जो सील किया जा रहा है, ये सील किया जाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका सील नहीं हुआ है तब तक आपका जो नेट मीटर है वो आपका वैलिड नहीं हुआ है, इसलिए सील ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि इसका जो नंबर होता है वो सारा का सारा नंबर नोट किया जाता है और उसी बेसिस पे आपका बिलिंग होता है, ये सब कुछ आपका वो नोट किया जाएगा, तो ये सब खास ध्यान रखिएगा। वैसे तो हमारे बिहार में अभी कोई ऐसा सोलर का कोई नियम नहीं आया है कि अगर आप सोलर का अगर ज़्यादा बिजली अगर एक्सपोर्ट कर देते हैं तो आपको उसका रुपया मिलने वाला है। देखिए एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया 30 VAH, मतलब माइनस है पावर अभी जनरेशन कर रहा है, चूँकि शाम हो गया है, लेकिन हमारा मोड ऑन है ये दिखा रहा है, हमारा सोलर ऑन है ये दिखा रहा है। हमने जो मीटरिंग किया है, जो कनेक्शन किया है नेट मीटर का, वो ओके हो गया है, इसलिए ये रनिंग मोड में है। और इसी तरह से अगर आप हमसे सोलर लगवाना चाहते हैं या नेट मीटरिंग करवाना चाहते हैं बिहार के किसी भी ज़िले में, किसी भी ज़िले में सर्विस चाहिए इन्वर्टर से रिलेटेड, हाइब्रिड इन्वर्टर, किसी भी तरह का इन्वर्टर या बैटरी चाहिए या कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी टेक्निकल हेल्प मैं आपको करने के लिए रेडी हूँ, इसमें 12 बजे रात को भी फ़ोन कीजिएगा तो मैं उठा लूँगा आपको, ठीक है। और कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।